वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई जैसे कि हम अपने डिस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो डिस्ट्रक्टिव सर्जरीज जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। लाइक कौन सी सर्जरी में क्या डिफरेंस रहता है, कि कौन सी सर्जरी हम किस कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं, किस कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक उसका इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहता है। सो जैसे कि हम डिस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, पार्ट टू में हम क्या है एविसरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, देन अब हम क्या है पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे इन्यूक्लेशन के बारे में। लाइक हम जानेंगे इन्यूक्लेशन में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इन्यूक्लेशन में, देन इसके इंडिकेशन भी हम देखेंगे कि इन्यूक्लेशन की जो कंडीशन सर्जरी है वो किस कंडीशन में हम परफॉर्म करते हैं। सो इन्यूक्लेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा एविसरेशन में क्या हो रहा था, जो अंदर के कंटेंट्स हम सारे निकाल देते हैं, स्क्लेरा और हमारा स्क्लेरा ईओएम एंड ऑप्टिक नर्व और हमारा जो लिड्स है उनको छोड़ देते हैं। बट हम इन्यूक्लेशन में क्या करेंगे, अंदर के सारे कंटेंट्स निकाल देते हैं एंड हम स्क्लेरा को भी निकाल देते हैं, ईओएम को भी निकाल देते हैं। इसमें क्या है, हमारी सिर्फ ऑप्टिक नर्व और लिड्स रह जाती हैं। किस कंडीशन में? इन्यूक्लेशन की कंडीशन में। सो इसमें हम बात करते हैं कि इंडिकेशन की, लाइक वो कौन कौन सी इंडिकेशन है, वो इसके इंडिकेशन क्या है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा में करते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। मैलिग्नेंट मेलेनोमा में करते हैं हम, ये जो कंडीशन है लाइक ये जो सर्जरी है वो मैलिग्नेंट मेलेनोमा में हम परफॉर्म करते हैं। एंड पेनफुल ब्लाइंडनेस होती है उस कंडीशन में भी हम करते हैं, या हमारा जो एंडोफ्थैल्माइटिस की लास्ट स्टेज होती है उसमें भी ये सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। सो गाइस ये था हमारा इन्यूक्लेशन एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेंट्रेशन के बारे में, लाइक एक्सेंट्रेशन की कंडीशन में क्या होता है। इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि हम इन्यूक्लेशन की कंडीशन में क्या करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।